नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बारामती में सीएम सिंधे पर बरसे शरद पवार, महाराष्ट्र की बागडोर बीजेपी के हाथों में। लेकिन एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हाल में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरे देश में ये संदेश दिया है कि राज्य में माहौल बदल रहा है। पवार ने ये बयान बारामती तहसील के निम्बुत गांव में किसानों से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में हमने एनसीपी एसपी केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन 10 में से 8 उम्मीदवारों को चुनकर राज्य की जनता ने पूरे देश में ये संदेश दिया है कि राज्य का माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की बागडोर बीजेपी के हाथों में है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने ये स्पष्ट हो गया कि परिणाम अलग होने वाला है। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता में बैठे लोगों ने 31 सीटें खो दी और महाविकास अघाड़ी एमवीओ को उतनी सीटें पर सफलता मिली। पवार ने कहा कि मतदाताओं द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सत्ता का इस्तेमाल कृषि से जुड़े और पानी की कमी जैसे अन्य ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए करें। पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर पुणे जिले के पुरंदर, बारामती, इंदापुर और दौंड तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए बैठक बुलाने की मांग की है। पवार ने 16 जून को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने सूखे जैसी स्थिति को कम करने के लिए क्षेत्र में सिंचाई योजनाएं शुरू की थी, लेकिन जब उन्होंने हाल में इनमें से कुछ क्षेत्रों का दौरा किया तो उनके कार्यान्वयन में समस्याएं पाई गई। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में इस पत्र को साझा किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।